जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि BSc मैथमेटिक्स पार्ट टू का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है VKS यूनिवर्सिटी के लिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका ऑफलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी क्लास जो है उसका टाइम रखा गया है 4:30 से 6 PM में। उस बैच में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया गया है, क्लास जो है 7 दिन चलेगा, जिसका ऑनलाइन का ऑफर फी जो है 4100 रखा गया है और ऑफलाइन का ऑफर फी 7500 रखा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वाले जितना जल्द हो सके आप लोग एडमिशन लेकर क्लास स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन क्लास जो है एप्लीकेशन पे होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम जो है CoM BSc मैथ है। तो आइए और हम जानते हैं कि VKS यूनिवर्सिटी में BSc मैथमेटिक्स पार्ट टू का सिलेबस क्या है, तो हम लोग सिलेबस के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं VKSU में सिलेबस क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिएगा, लिखेंगे सिलेबस ऑफ BSc या BA मैथमेटिक्स पार्ट टू फोर VKSU वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। BSc मैथमेटिक्स पार्ट टू का एग्ज़ाम जो होगा वो 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 500 मार्क्स में आपको एक ऑनर्स पेपर होगा, एक ऑनर्स पेपर जो है 200 मार्क्स का होगा, एक सब्सिडरी पेपर होगा, सब्सिडरी पेपर भी 200 मार्क्स का होगा, और एक कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन जो है 100 मार्क्स में आप इंग्लिश 100 मार्क्स का लीजिए या हिंदी 100 मार्क्स का लीजिए या हिंदी 50 मार्क्स का प्लस इंग्लिश 50 मार्क्स का, जोड़ेंगे तो 100 होगा। ये 100 नंबर में पास करने के लिए आपको नंबर आना चाहिए 33 या 33 से अधिक। उसके बाद सब्सिडरी पेपर में आपका होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स भी 100 मार्क्स का होगा और केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स में आपको पास करने के लिए 33 या 33 से अधिक, इस 100 में भी 33 या 33 से अधिक। और ये बात हमेशा याद रखना है कि सब्सिडरी पेपर फिजिक्स में 25 नंबर का प्रैक्टिकल फिजिक्स में होता है और केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल जो होगा वो 25 नंबर का होगा। इस 25 नंबर में कम से कम कॉलेज 12 या इससे अधिक नंबर जरूर देगा प्रैक्टिकल में, थ्योरी में जो है, थ्योरी में 75 नंबर का होगा। इस 75 नंबर में आपको कम से कम 21 नंबर लाना है, तो 12 21 को जोड़ेंगे तो 33 या 33 से अधिक नंबर लाना होगा। मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना है, मेन रूप से आपका जो है ऑनर्स पेपर होता है। आप जब BSc मैथमेटिक्स पार्ट वन में थे तो आपको पेपर वन और पेपर टू पढ़ना था और यहाँ जो है पेपर थ्री और पेपर फोर पढ़ना है। पेपर
थ्री और पेपर फोर, पेपर थ्री और पेपर फोर, पेपर थ्री भी 100 नंबर का होगा, पेपर फोर भी 100 नंबर का होगा, इसमें ऐसा नंबर लाना है जो 33 या 33 से अधिक, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 90 या 90 से अधिक नंबर होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से हमें नंबर लाना है ऑनर्स पेपर में जो 33 से अधिक, और दोनों को ऐड करने पर 90 या 90 से अधिक नंबर लाना होगा, और तब आप जाकर ऑनर्स पेपर में पास होंगे। याद रहे, अगर दो या दो से कम पेपर में, एक या दो पेपर में बैक लगता है तो आप पार्ट वन से पार्ट टू में प्रमोटेड हो जाएंगे, मतलब पार्ट वन से पार्ट टू में चले जाएंगे, लेकिन जिस पेपर में आपको बैक लगेगा उसका एग्ज़ाम फिर से आपको देना होगा। उसके बाद जो है फिर अगर किसी स्टूडेंट को तीन पेपर या उससे अधिक पेपर में बैक लगता है तो फिर वह स्टूडेंट पार्ट टू से पार्ट थर्ड में नहीं जा पाएगा, वह पार्ट टू में ही रह जाएगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है, अगर किसी ऑनर्स के एक पेपर में बैक लगता है तो आपको अगले साल दोनों का एग्ज़ाम देना होगा। तो अब आइए, अब ये हमने बताया कि ये 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इस 500 में क्या क्या पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे ऑनर्स पेपर। तो ऑनर्स पेपर थ्री और फोर में VKS यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या सिलेबस है, उसके बारे में जानते हैं। लिखेगा पेपर थ्री VKSU, पेपर थ्री VKSU, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ये आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इस 100 मार्क्स में आपका ग्रुप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। अगर 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, अगर 8 क्वेश्चन रहेगा तो एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। ग्रुप ए में जो है, ग्रुप ए में रियल एनालिसिस, ग्रुप बी में इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद ग्रुप सी में मॉडर्न अलजेब्रा। तो इससे जो है आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, इससे आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, इससे आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। तो 4, 4, 8, 3, 11 और 1, 12, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 रहेगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी है, बचा 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको 3 ग्रुप से देना है और प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का देना अनिवार्य है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12, इन विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपलसरी आफ्टर देन answer any 5 question, 16 × 5 = 80 और 20 = 100। मतलब एक 5 क्वेश्चन 16 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 16 × 5 = 80 मार्क्स का होगा, एक ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स। तो answer any 5 क्वेश्चन selecting at least one question from each group
वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो याद रखेंगे एक क्वेश्चन आपका 12, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 रहेगा। 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, उसका जवाब देना अनिवार्य है। बचेगा 5 क्वेश्चन का जवाब 3 ग्रुप से देना है, तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। बचा 2 आप किसी भी ग्रुप से दे सकते हैं, लेकिन याद रहे ऐसा क्वेश्चन को टच करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन हम लोग सोल्व नहीं करेंगे जिसका ए जानते हैं और बी नहीं जानते। अगर ऐसा करते हैं, किसी क्वेश्चन का ए किसी क्वेश्चन का बी बनाते हैं, तो आप ऐसे करेंगे तो 6 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन को टच कर देंगे, और जैसे ही 6 से अधिक क्वेश्चन को टच करेंगे उसके बाद का नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे ये आपका VKSU का पेपर 3 का सिलेबस था। अब आइए VKSU का अब पेपर 4 का सिलेबस। लिखेंगे पेपर 4 VKSU वीर कुंवर यूनिवर्सिटी। ये भी एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का होगा। इस 100 मार्क्स में जो है 100 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ 20 मार्क्स, उसके बाद ग्रुप ए जो होगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ग्रुप बी जो होगा वेक्टर कैलकुलस होगा, ग्रुप सी जो होगा वह स्टैटिक्स होगा, और ग्रुप डी जो होगा वह डायनेमिक्स होगा। देखिए किस प्रकार से कितना नंबर किस ग्रुप से रहेगा। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा आपका पहला क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन रहेगा, वेक्टर से भी आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिक्स से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, इससे भी 3 क्वेश्चन रहेगा। तो 3 3 9, 2 11 और 1 12, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 12 हुआ। इस 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंपलसरी, उसका जवाब देना अनिवार्य है। बचेगा 5 क्वेश्चन का जवाब आपको 4 ग्रुप से देना है, प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, और एक बचेगा आप किसी भी ग्रुप से दे सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 इन विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपल्सरी आफ्टर देन आंसर एनी फाइव क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो टोटल 12 क्वेश्चन होगा, इस 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, और वैसा क्वेश्चन का जवाब देना जिसका ए और बी जानते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे जिसका ए जानते हैं बी नहीं जानते हैं। ऐसे अगर मान के किसी क्वेश्चन का ए बना लिए किसी दूसरे क्वेश्चन का बी, तो इस केस में आप
6 से अधिक क्वेश्चन को टच कर देंगे। आज जैसे ही 6 से अधिक क्वेश्चन को टच करेंगे, इस केस में 6 से अधिक क्वेश्चन का नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए जवाब देना है क्वेश्चन का। तो ये हमने आपको पेपर 4 का सिलेबस बताया, VKSU का, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे मेरा वीडियो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के पास अधिक से अधिक पहुंच सके। बैच स्टार्ट हो गया है, बैच का जो टाइम है वह 4:30 से 6 PM रखा गया है। बैच टाइम 4:30 से 6 PM, क्लास डेली चलेगा, डेली। अभी स्टार्टिंग चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑनलाइन वाले का क्लास जो है एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीओम बीएससी मैथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।